हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में आपके लिए पेश है एग्रीकल्चरल स्प्रेयर के बारे में कुछ एक जानकारी। तो ये जो स्प्रेयर है ये है 16 लीटर का, ये बैटरी ऑपरेटेड है, 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है 8 एम्पियर की। इसके ऊपर दो कैप दिखाई दे रहे हैं, दोनों मैं बता दूं पहले किसके लिए हैं। ये एक साइड में इसके जो भी नोजल आदि हैं उनको रखने के लिए स्प्रेयर नोजल है, वो वाइड स्प्रे करने के लिए जिसमें काफी सारे होल बने हुए हैं। एक ये सिंगल नोजल है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं लिमिटेड एरिया में यूज करने के लिए। एडिशनल वॉशर भी प्रोवाइड की हुई है इसमें, इनको हम यहाँ रख देते हैं। इस कैप को खोलते हैं और इसमें हम देखते हैं ये जाली लगी हुई है, पानी इस जाली में से छानकर ही डालना चाहिए, साफ पानी डालना चाहिए इसमें, क्योंकि छोटा सा भी कचरा आ गया तो वो नोजल ब्लॉक कर सकता है। यहाँ नीचे की साइड आपको ये व्हाइट कलर में एक जाली दिख रही है, छन करके ही नोजल में पानी और जो भी डिसइंफेक्टेंट हम इसमें मिक्स करते हैं वो जाता है। मेनली इसका पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है खेतों आदि में, एग्रीकल्चर में, लेकिन आजकल हम देखते हैं इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जा रहा है। और ये इसके साथ इसकी पाइप है और यहाँ ये जो नोजल है यहाँ एक ग्रिप बनी हुई है और इस ग्रिप में इसे लगा दिया जाता है। ये यहाँ लगा दी जाती है और नोजल को यहाँ से निकाल लिया जाता है। ये एक नोजल आगे चेंज की हुई है, बड़ा आसान है इसे चेंज करना, जस्ट यहाँ से इसे खोल लिया जाता है। तो ये खोल के मैंने आपको बताया, यहाँ एक रबड़ की वाशर लगी हुई है और इस प्रकार की ये जो नोजल है प्रेशर के साथ इसमें पानी आता है और स्प्रे के रूप में आगे गिरता है। अभी इसको चला करके भी बताएंगे हम। यहाँ से भी ये नोजल है ये खुल जाती है, तो इस प्रकार से यहाँ से कम्प्लीटली ओपन हो रही है। ये एक वाशर टाइप है और इसके अंदर से पानी जाता है, अंदर तो घूमते हुए पानी जाता है और बाहर स्प्रे के रूप में निकलता है। ये इसके वापिस लगा देते हैं इसको। अगर इसमें कभी कचरा आदि आ जाए तो आप इसे खोल करके वो कचरा है उसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसे वापस कस देता हूँ। इसके अलावा अंदर का जो पाइप है वो भी मैंने खोल दिया है, यहाँ से ये अलग इसके अंदर जाता है इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर कसा जाता है। यहाँ पर लॉक बना हुआ है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारे स्प्रेयर स्प्रे करना शुरू कर देता है।
और अगर आप इसे पकड़ के नहीं रखना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसे नीचे कर देंगे तो ये क्या है ऑन रहेगा और स्प्रे लगातार शुरू रहेगी, और इसको हटा देंगे तो ये दबाने पर चलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं इसे पीठ पर लटकाने के लिए है और एक सॉफ्ट पैड बना हुआ है। यहाँ पर स्विच बना हुआ है, ये ऊपर की साइड करेंगे तो ऑन होगा। देखिए मोटर चालू हो चुकी है। चालू होने के बाद हम जब इसे यहाँ से प्रेस करेंगे तभी आगे से स्प्रे जाएगा, बाकी प्रेशर बना रहेगा। यहाँ नीचे करने के बाद देखिए एक स्विच बना हुआ है, जब हम इसे चलाएंगे तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। ये फुल स्पीड है और यहाँ पर लो स्पीड हो जाती है, तो स्पीड की कंट्रोल करने के लिए नीचे की तरफ करने के बाद बीच में ऑफ रहेगा, ऊपर ऑन रहता है, हाई स्पीड पे रह रहा है और नीचे की तरफ स्पीड कंट्रोल करके चलाने के लिए। ये यहाँ पर चार्जिंग के लिए बना हुआ है, इसके साथ चार्जर आता है एक, ये इसका चार्जर है जो कि 12 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है। आउटपुट करंट है 1.1 एम्पियर का होता है और इसे यहाँ लगा करके चार्जिंग शुरू कर दी जाती है। यहाँ चार्जिंग इंडिकेटर बना हुआ है, अभी ऑन करके बताता हूँ मैं। स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए अभी बैटरी है, जब लो होगी तो रेड लाइट पे आ जाएगा। अभी ये 50% चार्ज है और जब हाई वोल्ट फुली चार्ज होगी तो ये लाइट लास्ट वाली ग्लो करेगी। अब हम बात करते हैं छिड़काव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट सबसे अच्छा संक्रमण नाशक है, डिसइन्फेक्टेंट है। इसका उपयोग घर, फैक्ट्री, कार्यालय या कार आदि को किसी भी प्रकार के वायरस और जीवाणु से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग की विधि यह है कि 1 लीटर पानी में 150 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलाया जाता है या इसी अनुपात में इसे मिलाया जाता है। कुछ सावधानियां, जो विशेष सावधानियां यह है कि बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें, आँखों के संपर्क में ना आने दें, आप सेफ्टी ग्लव्स पहने और सेफ्टी जो क्लॉथ्स हैं उनको पहन के छिड़काव करें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। रंगीन वस्त्रों पर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य अनेक सावधानियां हैं जो कि अलग से वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में कुछ अन्य एप्लीकेशन ये है कि यह है, इट इज़ यूज एज ए डिसइन्फेक्टेंट टू सैनिटाइज द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज को सैनिटाइज मतलब स्वच्छ करने के लिए डिसइन्फेक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग एजेंट। इट इज़ यूज टू डिसइन्फेक्ट वाटर सिस्टम्स सच एज इवोपोरेटिंग कूलिंग टावर्स एंड हॉट एंड कूल डोमेस्टिक वाटर सिस्टम्स। इट इज़ हाईली इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड्स गिविंग एक्सीलेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एट लो डोज रेट। इसका प्राइस है 499, 500 रुपये इसकी कीमत है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है जैसे 14 मई 2020 है, 12 मंथ इसकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन खोलने के बाद इसे 2 महीने में यूज़ कर लेना चाहिए। इस स्प्रेयर के अंदर मिक्स करके स्प्रे किया जाता है। तो अभी हम इसको चला करके देखते हैं, ऑन हो चुका है। आवाज़ सुनिए, देखिए मोटर शुरू होती है जो ही दबाते हैं हम।